हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एफएमओ मेथड। एफएमओ मेथड जो होता है वो हमारा होता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट मोर। इन ऑर्डर फॉर अ साइक्लो एडिशन टू अकर, ठीक है, जब हमारा साइक्लो एडिशन अकर होता है तो हमने देखा, हम साइक्लो एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमने देखा जो बॉन्डिंग ओवरलैप है पी ऑर्बिटल में, जो हमारे टर्मिनल पर कार्बन है दोनों कंपोनेंट्स की, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वहाँ पर एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यानी साइक्लो एडिशन हमारा क्या है, जब हमारे दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अंडरगो जाते हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन में जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि एक डाइन फोर पाई कंपोनेंट है, यानी ठीक है, एक डाइईन है जिसमें फोर पाई कंपोनेंट है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, और एक हमारा डाइईनोफाइल है जो हमारा टू पाई कंपोनेंट है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा और वाइस वर्सा। अब देखो, जो हमारा डाइन होता है वो कैसा होता है, उसमें ना इस टाइप का स्ट्रक्चर शो होता है, उनकी बैलेंसी पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर जब शो होता है तो उसे ही हम बोलते हैं डाइन, यानी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड हमारा सेपरेट, मतलब सिंगल बॉन्ड उसे सेपरेट कर रहा हो, ठीक है, वही है हमारा डाइन। और हमारा जो डाइईनोफाइल है वो है हमारा इथाइलीन और मैलिक एनहाइड्राइड, और बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारे डाइनोफाइल है। ठीक है, अब देखो, हमारे सबसे पहले ये है क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे फोर पाई कंपोनेंट कौन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ठीक है, तो हम इसका सीधा सा आंसर है, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना होमो में, ठीक है, होमो में, उन्हें वो डोनेट करेगा किसे, टू पाई कंपोनेंट को। लेकिन जो हमारा टू पाई कंपोनेंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी होनी चाहिए, और हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन नहीं करती, ठीक है, उसमें हम दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देयरफॉर जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन, वो लोमो होगी। लोमो का मतलब होता है हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ टू पाई कंपोनेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और एक हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस अपनी होमो ऑर्बिटल को यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। होमो का मतलब होता है हमारा हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट्स इज यूज्ड लूमो फॉर ओवरलैपिंग। यानी देखो, जब हमारा लूमो तो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, होमो डोनेट करेगा, तो इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग ही तो होने वाली है, तो उसे हम उसके बीच में ओवरलैपिंग होगी। जब हमारी ओवरलैपिंग हो रही होती है साइमल्टेनियसली, हमारी जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो मर्ज हो रही होती हैं, और ये ऑर्बिटल जो होती हैं वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन के अंडर चली जाती हैं और न्यू sp3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती हैं। अभी हमने एफएमओ मेथड देखा, अब हम उसमें एग्जाम्पल देखते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है, 2+2 का हम साइक्लो एडिशन देखेंगे, जिसमें हम थर्मल इंड्यूस्ड और फोटो इंड्यूस्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारा फ्रंटियर मेथड है, एफएमओ मेथड है, वो कैसे, मतलब कि किसी भी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, होमो और लूमो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, यानी जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, देखो, जब हम इथाइलिन को हीट करेंगे, इसके बारे में हम स्ट्रक्चर से भी समझेंगे, थर्मल इंड्यूस्ड देख रहे हैं, जब हम इथाइलिन को हीट करते हैं तो जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रमोट नहीं होते और वो ग्राउंड स्टेट में ही रह जाते हैं, साई वन में, ठीक है। जो फेज है हमारा ग्राउंड स्टेट का वो होमो होता है वन इथाइलिन का, और लूमो होता है सेकंड इथाइलिन मॉलिक्यूल का, ठीक है। वी कैन सी वाई साइक्लाइजेशन डजंट ओकर बाय थर्मल इंडक्शन, ठीक है, हम देखेंगे अभी कि मतलब कि जो थर्मल इंडक्शन की वजह से क्यों नहीं साइक्लाइजेशन अकर हो रही, ऐसा क्यों हो गया कि होमो और लूमो का हमारा ओवरलैप नहीं हो पाया, ठीक है। फॉर बॉन्डिंग टू अकर द फेज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी सेम। देखो, बॉन्डिंग हमारी कब होती है, जब हमारे फेज जो है ना ओवरलैपिंग के वो सेम हो, यानी एंटी एंटी से, मतलब कि नेगेटिव
नेगेटिव को ओवरलैप कर रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव को ओवरलैप कर रहे हो, तब हमारा वो फेस करेक्ट माना जाता है। लेकिन जो हमारा मतलब कि थर्मल इंड्यूस्ड है, उसमें हमारा जो बॉन्डिंग है वो इनकरेक्ट रहती है, यानी जो फेज है ना ऑर्बिटल के वो सेम नहीं रहते, जिसके बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें क्या शो होती है, सिमेट्री फॉरबिडन रिएक्शन। देखो अब हम ना दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल। अब देखो हम पहले फर्स्ट के बारे में देखते हैं, ये हमारी इसकी साई वन स्टेट है, ठीक है, और ये इसकी हमारी एंटी स्टेट है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग स्टेट है। तो ये हमारी साई स्टार, ठीक है, ये हमारी लूमो है, ये लूमो है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड है, क्योंकि ये हमारी होमो है। होमो कैसे पता चला, यहाँ इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको देखते हैं, ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसमें भी हमारे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये हमारी साई वन होगी यानी होमो होगी। अब देखो इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब देखो इसकी एंटी स्टेट ऐसे होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये साई स्टार है, ठीक है, लूमो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो हम सिमेट्री कैसे देखते हैं, हम एक होमो का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, मतलब कि होमो का जो एक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक हम लूमो का स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा लूमो है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा होमो का हो गया, ठीक है, होमो का और लूमो का। अब देखो जो हमारा लूमो है, जो हमारा लूमो है वो हमारा, अगर हम इसमें सिमेट्री देखें तो कौन सी सिमेट्री है, सी टू, और जो हमारा होमो है उसमें कौन सी सिमेट्री है, एम सिमेट्री, यानी मिरर है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के मिरर नहीं है। देखो यहाँ पर इस लोग पर ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये हमारा लूमो है, ठीक है, ओ वन मॉलिक्यूल, तो ये हमारी सी टू सिमेट्री शो कर रहा है, और ये हमारा होमो है ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, और ये हमारा क्या शो कर रहा है, एम सिमेट्री, क्योंकि मिरर सिमेट्री तो शो कर रहा है। अब देखो अगर हम इनमें ओवरलैप कराते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ तो बॉन्डिंग शो हो रही है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव लोव है, तो हमारा यहाँ बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन जब हम यहाँ देखें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में देखें, तो ये क्या शो कर रहा है, हमारी एंटी बॉन्डिंग। तो इस वजह से ये क्या है, हमारा सिमेट्री फॉरबिडन, तो इसलिए इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। जब हम दो इथाइलिन के मॉलिक्यूल लेते हैं और इसे इंड्यूस कराते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, थर्मल यानी हीट की प्रेजेंस में, तो हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। अब हम सेम एडिशन 2+2 का साइक्लो एडिशन फोटो इंड्यूस्ड में देखेंगे, सेम जब हम इथाइलिन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इरेडिएटेड हो जाएंगे फोटोन की प्रेजेंस में, यानी जो फोटोन हमारे यूवी लाइट के जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन तो निकलते हैं, फोटोन होता है पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो प्रमोटेड हो जाता है साई वन से साई वन स्टार तक, ठीक है, ऑर्बिटल इन सेम बट नॉट ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल में नहीं होता ऐसा। दस फोटो इंड्यूस्ड साइक्लो एडिशन टेक प्लेस बिटवीन फोटो केमिकल होमो, ठीक है, एक होमो और लूमो में हमारे मतलब कि इसमें इंट्रैक्शन हो जाता है, जो हमारे थर्मल इंड्यूस्ड था उसमें इंट्रैक्शन नहीं होता, सिमेट्री फॉरबिडन होती है, लेकिन इसमें एक्साइटेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का इसमें हमारी सिमेट्री ना मैच हो जाती है, सिमेट्री अलाउड हो जाता है सिस्टम जो है हमारा, ठीक है। हम देखते हैं, देखो ठीक है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल, ठीक है,
पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वन मोलिक्यूल किसमें, ग्राउंड स्टेट में। मॉलिक्यूल क्या है हमारा, इथाइलीन। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारी है लोमो, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है और इसे हमने नाम दे दिया साइटो। और देखो जो हमारी होमो है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल है और इसे हमने नाम दे दिया साइवन और होमो। ठीक है, देखो अब हम लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल जो है हमारा सेकंड मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो सेम इसकी एंटी बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो क्या है, जब हम इसमें एच म्यू यानी फोटोलाइसिस कराते हैं इस रिएक्शन का, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें इसमें से एक मॉलिक्यूल जो होगा ना हमारा, जैसे इसके भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो है, तो मतलब कि इसमें क्या होगा, जो हमारा एक मॉलिक्यूल होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। देखो एक्साइटेड स्टेट में गया, अब हमारे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारा यहाँ, और यहाँ हमारा इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें चला गया। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होके इस ऑर्बिटल में चला गया, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट ऑफ होमो। ठीक है, होमो बन गया। तो हम देखो एक हम इस स्ट्रक्चर को लेंगे और इसका एक का हम होमो लेंगे, एक का हम लूमो लेंगे। ठीक है, एक हमने ये ले लिया। अब देखो जब हम रिएक्शन इनको देखेंगे, इनकी सिमेट्री अलाउ होती है यानी, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारी क्या हो रही है, देखो इसमें सिमेट्री अलाउ हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा लूमो है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, और ये हमारा सी टू सिमेट्री शो कर रहा है। ये हमारा होमो है, होमो कौन सा है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, और ये हमारे क्या सिमेट्री शो कर रहा है, सी टू सिमेट्री। ठीक है, तो इनमें क्या है, बॉन्डिंग शो हो रही है, तो फिर करेक्ट है हमारा बॉन्डिंग के लिए, तो ये क्या है हमारा सिमेट्री अलाउड। तो यानी जब हम इथाइलीन के मॉलिक्यूल का थर्मोलाइसिस करेंगे, जब तो उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा प्रोडक्ट में, लेकिन देखो जब हम उसका फोटोलाइसिस कराते हैं इथाइलीन के दो मॉलिक्यूल्स का, तो वो हमारे से एक्साइटेशन की वजह से एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है फोटोन की वजह से, और वो हमारा सिमेट्री अलाउड हो जाता है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।